चुनावी बिगुल बज चुका है। एक तरफ सभी पार्टियों ने जमीनी स्तर पर अपनी तैयारी शुरू कर दी है, तो वहीं अंबाला प्रशासन भी चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस बारे में जानकारी देते हुए उपायुक्त अंबाला ने बताया कि अंबाला जिला में 4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जिसमें 3 जनरल तो 1 रिजर्व है। जिले में कुल 8,74,000 वोटर्स हैं। जिले में कुल 968 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। वहीं जिन लोगों के पास हथियार हैं उन्हें जमा करवाने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। अभी तक 2,669 जमा करवाए जा चुके हैं, बाकियों को भी जल्द जमा करवाने को कहा गया है। वहीं जिले में कंट्रोल रूम भी स्थापित किए गए हैं। पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी कई निर्देश जारी किए गए हैं, जिनमें पार्टी के लिए झंडे और पोस्टर लगाने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं सभी अधिकारियों को शांतिपूर्वक चुनाव के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है, तो वहीं जो लोग पोलिंग बूथ तक नहीं जा सकते उनके लिए होम से वोटिंग के इंतजाम किए जा सकते हैं। देखिए, आज जो है जो हमारे पत्रकार साथियों को और बंधुओं को जो बुलाया है, वो आज चुनाव से संबंधित जो हमारी तैयारियां अंबाला ज़िले में चल रही है उससे आप लोगों को अवगत कराने के लिए और उसके लिए पीसी जो बुलाई गई है। तो ब्रीफ डिटेल्स में एक बार बता देता हूँ। देखिए, कुल जो हमारे हैं 4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है अंबाला ज़िले में चुनाव होंगे। 3 इसमें जनरल है और 1 रिजर्व है। टोटल जो है हमारे 8,78,282 वोटर्स हमारे इलेक्टोरल रोल में जो है उनके नाम आ गए हैं। इसमें जो है करीबन 4,61,453 पुरुष वोटर्स हैं और 4,16,786 महिलाएं वोटर्स हैं। थर्ड जेंडर 43 जो है वो हमारे इलेक्टोरल रोल में शामिल हैं। वोट बनाने की जहाँ तक बात है, तो वोट जो है मैं प्रेस के साथियों के थ्रू सभी अंबाला वासियों से अनुरोध भी करना चाहूँगी, जो एलिजिबल हो गए हैं 18 साल के 1 जुलाई को जो एलिजिबल हो गए हैं, जिनका वोट नहीं बना है, वो जो है अभी भी अप्लाई करके अपना नया वोट बनवा सकते हैं। और ये जो है प्रक्रिया 2 सितंबर तक जो है नए वोट्स बनकर हमारे जो चुनावी रोल है उसमें इनके नाम आ जाएंगे। फॉर्म 7 और 8 एडिशन डिलीशन जो है वो अब वो है बंद हो गई है। एडिशन डिलीशन जो है अब इलेक्टोरल रोल में अभी नहीं करी जाएगी। उसके बाद अगर मैं टोटल पोलिंग बूथ की बात करूं, तो हमारे अंबाला ज़िले में 968 जो है पोलिंग बूथ्स हैं और इसमें जो है जहां तक ECI की गाइडलाइंस है उसके अनुसार हमारी जो है मशीनें तैयार करी जा चुकी हैं। इसे फर्स्ट लेवल चेक बोलते हैं, FLC। तो फर्स्ट लेवल चेक में जो होता है जो इलेक्शन कमीशनिंग गाइडलाइंस के अनुसार अलग अलग परसेंटेज होती है जिसके अनुसार उन मशीनों को तैयार किया जाता है। अगर VVPAT BUs की बात करूँ तो 200%, अगर जैसे हम सपोज 100 बूथ हैं हमारे, तो 200% मतलब 200 BUs हमें तैयार करके रखने पड़ते हैं। तो उसी अनुपात में हमारे 1936 BUs, 1307 VVPATs और 1210 कंट्रोल यूनिट ये जो है रेडी पड़े हैं। इनको आगे जो फर्दर रैंडमाइजेशन किस असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएंगे, किस बूथ में जाएंगे, ये आगे की कार्रवाई जो हमारे इलेक्शन ऑफिस की गाइडलाइंस है कि उस अनुसार उस डेट्स पे किया जाएगा। पोलिंग स्टेशंस की अगर मैं बात करूँ तो 968 में से 430 जो हमारे हैं वो शहरी क्षेत्र में पोलिंग स्टेशन पड़ते हैं और 538 जो हैं वो रूरल एरिया में हमारे पोलिंग बूथ पड़ते हैं। इसमें से हम लोग 16 जो हैं वो मॉडल पोलिंग बूथ्स अलग बनाएंगे अलग अलग कैटेगरी में, जिसमें हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक मॉडल पोलिंग बूथ होगा, एक पिंक बूथ या महिला बूथ होगा जिसमें सारे स्टाफ जो है वो महिलाएं होंगी, एक जो है PWD वोटर्स के लिए बूथ होगा और एक यूथ के लिए जो है स्पेशल बूथ बनाया जाएगा। पिछले अभी जो लोकसभा चुनाव जो हुए हैं उसमें हमारे ज़िले में 67.34% जो है प्रतिशत वोट्स पड़े थे। हमारी जो स्वीप एक्टिविटीज़ है वो चल रही हैं। मेरा अनुरोध अंबाला के लोगों से ही रहेगा कि
अपने मतदान के अधिकार को जो है पूरा प्रयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वोटिंग करने के लिए 1 अक्टूबर की जो तारीख है उसको जरूर आए। लॉ एंड ऑर्डर और प्रिवेंशन के लिए कई मेजर्स जो है वो लिए गए हैं। FSTs जो हैं 24 FSTs, 16 SSTs, सर्वेलेंस टीम जो होती है स्टैटिक सर्वेलेंस टीम होगी एंड मोबाइल सर्वेलेंस टीम जो है ये लगाई गई है अलग अलग स्थानों पर। और हमारी जो वीडियो वीडियो जो टीम है वीडियो VVTs बोलते हैं, वीडियो VVTs वो भी जो है उनको कंपोज कर दिया गया है। और जैसे विभिन्न रैलियाज होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, उनको ये लोग कवर करते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं ताकि एक्सपेंस मॉनिटरिंग करी जा सके। लाइसेंस टर्म जैसे है वो सभी जो अम्बाला जिले में है 3,434 लाइसेंस टर्म जो है उनको सभी लोगों से अनुरोध है कि अपना असला जो है जमा करवा दें। कल तक जो है 2,659 जो है आर्म्स वो डिपॉजिट कराए जा चुके थे पुलिस के पास, पेंडिंग जो है उस पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई करी जा रही है। अगर हम सीजर की बात करें तो करीबन 17,400 लीटर जो है अल्कोहल वो पुलिस के द्वारा और एक्साइज के द्वारा पकड़ा गया था। और रेगुलर जो है इसमें अल्कोहल के ऊपर और बाकी चीज़ों के ऊपर जो है कार्रवाई संबंधित विभाग के द्वारा करी जा रही है। कंट्रोल रूम वगैरह जो है वो स्टैब्लिश किया जा चुका है। अगर किसी व्यक्ति को अपने चुनाव से संबंधित कोई कंप्लेंट है, क्वेरी है, तो वो 1950 पे फ़ोन करके दर्ज करा सकते हैं। साथ ही साथ हमारा जो सी विजिल है वो सी विजिल ऐप जो है वो चालू हो चुका है। 21 कंप्लेंट सी विजिल पे आई हैं अब तक और उनका जो है निपटारा समयबद्ध तरीके से किया जा रहा है। पोस्टर बैनर्स जो हैं वो सभी जगह पे जहाँ जहाँ लग रहे हैं उनको उतारने का हमारी टीम्स कर रही हैं। और साथ ही साथ किन जगहों पे हम पोस्टर बैनर लगा सकते हैं उन जगहों को चिन्हित कर कर उसकी डिटेल जो है पॉलिटिकल पार्टी से शेयर करी जा चुकी है। ट्रेनिंग देखिए, ट्रेनिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है कोई भी अगर काम करना है इलेक्शन में। ट्रेनिंग के लिए सभी अलग अलग स्तर के अधिकारियों की ट्रेनिंग चल रही है। इसमें ARO ROs जो हमारे रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं इनकी ट्रेनिंग जो है हो चुकी है और चल भी रही है। नोडल ऑफिसर की ट्रेनिंग एक एक राउंड हो चुका है। डिस्ट्रिक्ट लेवल मास्टर ट्रेनर्स जो है इनकी ट्रेनिंग भी जो है 27 तारीख को कराई जा चुकी है। पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी विभिन्न 2 राउंड ऑफ मीटिंग्स हो चुकी हैं। एक एक में उनको MCC के बारे में जो गाइडलाइंस है वो अवगत कराया गया था और एक में जो है एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग की क्या जो गाइडलाइंस है इलेक्शन की उसके बारे में जो आज जो है मीटिंग करी जा चुकी है। इसके अलावा जो पोस्टल बैलेट की फैसिलिटी होगी जो 85+ वोटर्स हैं इनके लिए जो है पोस्टल बैलेट्स की फैसिलिटी जो है घर जैसे घर पे मतदान करने वाला जो फैसिलिटी है ये भी जो है इसको कार्रवाई में लाया जाएगा। और BLOs के द्वारा उनसे फॉर्म जो है 12D कलेक्ट किया जाएगा और ये जो हमारे पास 10 सितंबर तक इसको जो है हम लोग कलेक्ट जो है करवाएंगे। पर्सन्स जो है कुछ लोगों को बाउंड डाउन किया गया है। इसमें जो है करीबन 73 लोगों को जो है नोटिस के द्वारा पुलिस ने जो है बाउंड डाउन किया है और जो इनकी नॉन अवेलेबल वारंट और बाकी की स्थिति है वो डेली बेसिस पे ये एग्जीक्यूट कराते हैं। करीबन 89 जो हैं वो नॉन अवेलेबल वारंट्स इनके द्वारा जो है एग्जीक्यूट पुलिस के समय समय कराए जा रहे हैं। इसके अलावा एक जो डेटाबेस मैनेजमेंट हमारा चुनाव में जिन लोगों की ड्यूटी लगेगी उन लोगों का एक डेटाबेस जो है क्रिएट किया जा रहा है और ये विभिन्न विभागों से सरकारी गैर सरकारी और केंद्र के
हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों से जो है ये लोग लिए जा रहे हैं और इनकी ट्रेनिंग जो है आगे आने वाले समय पर कराई जाएगी। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसमें जो हमारी अभी तक की तैयारी थी और किन चीज़ों पर हमारा फोकस है वो अभी मैंने आपसे बताया है, और साथ ही साथ जो हमारे पोलिंग सेशंस हैं इन सभी के लिए जो है हम लोग चेक करवा रहे हैं, हमारी आरओस से विभिन्न टीमों से चेक करवा रहे हैं ताकि इन पे जो मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो वो सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा जो हमारे सब एसडीएम साहिबान हैं इनके स्तर पर एक टीम बनाई गई है जो लिकर वेंट्स को जो हमारे शराब के ठेके हैं इनको चेक करके इनका स्टॉक जो है एक्साइज और पुलिस विभाग से के साथ मिलकर जो हमारे गाइडलाइंस है उनको साथ चेक करेगी और उनकी रिपोर्ट भी हमें देगी। और मेरा मानना है कि हम लोग जो है ये चुनाव जो है अच्छे तरीके से कराने में पीसफुल मैनर में कराने में अपना प्रयासरत रहेंगे और सफल भी रहेंगे। वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए क्या कुछ देखिए इसमें अलग अलग जो है स्वीप एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें वोटर्स को अवेयर किया जाता है। अभी जो है दोबारा से सबसे बड़ा एक परसेंटेज जो है जिस तरह से बढ़ सकता है अम्बाला में पिछले एक साल में हमारा काफ़ी फोकस था कि जो वोटर्स डेड हो गए हैं या शिफ्ट हो गए उनके वोट्स जो है उनको वोटिंग लिस्ट इलेक्टोरल रोल से उनको दुरुस्त करें क्लियर आउट कर दें उनको हटा दें, तो करीबन जो है 70,000 जो ऐसे वोट्स हैं ऐसे पाए गए जो जो काटे गए हैं इस एक साल के दौरान, और उससे जो है वोटिंग परसेंटेज कहीं ना कहीं बढ़ता है। और साथ ही साथ अलग अलग एक्टिविटीज़ हम लोग कर रहे हैं, शिक्षक जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जा रहे हैं, ग्राम पंचायत लेवल पर जो है हमारे बीएलओ और बाकियों के द्वारा भी जो है ये प्रयास किया जा रहा है, और कल भी जैसे हमारे विभिन्न अधिकारी भी जो है अलग अलग जगह पे जाकर लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि जो है आप अपने मत का जो अधिकार है उसको जरूर जो है उसका प्रयोग करें। जी, देखिए इसमें दो कैटेगरी होती है, पहले की कैटेगरीज तो जो थी उनके उसको छोड़कर अब दो कैटेगरीज के अब बूथ रह गए, एक तो वल्नरेबल बूथ जहाँ पर किसी वोटर को डर से किसी और तरीके से प्रलोभन से उनको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है उसको वल्नरेबल बूथ बोलते हैं, और दूसरा होता है क्रिटिकल बूथ जहाँ पर 6-7 इसमें क्राइटेरिया है कि वोटिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा हुई है या बहुत कम हुई है, किसी एक कैंडिडेट के फेवर में जो है वोटिंग बहुत ज़्यादा हुई है, तो उस तरह से वल्नरेबल बूथ हमारे लोकसभा इलेक्शन में 1-0 थे, एक भी नहीं था, और जो क्रिटिकल बूथ थे वो करीबन 220 के आसपास थे, वो लिस्ट अभी जो है फाइनली पर रिवाइज करके फाइनलाइज करी जा रही है। मामला आया था उसकी हमने फील्ड से जो हमारे संबंधित आर ओ हैं उनसे जो है रिपोर्ट ली गई, हमारे जो टीम है मौके पे भी गई, लोगों से आसपास ही पूछताछ करी गई, और उसमें ऐसा कोई कंक्लूसिव एविडेंस बात नहीं आई थी। बाकी जो रिपोर्ट है हमने बना के ऊपर इलेक्शन कमीशन शेयर करी है और आगे फर्दर हम वेट करें उनकी तरफ से क्या दिशा निर्देश आते हैं। जो वीडियो वायरल हुआ था कंक्लूसिवली हमने गांव में जाके जैसे मैं बता रहा हूँ वहाँ पे लोगों ने पूछताछ भी करी आसपास से, उस जगह पे उन महिलाओं को जो कुछ की उसमें शक्ल मोस्टली क्लियर नहीं थी उनको ट्रैक डाउन करने की कोशिश करी, इस तरह से बात जो है कंक्लूसिवली बात सामने नहीं आ सकी। जी 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 देखिए सबसे पहले तो किसी भी सरकारी कार्यालय में पब्लिक प्लेस में जो है ऐसे पोस्टर बैनर नहीं लगा सकते, दूसरा जो चिन्हित जगह है पब्लिक प्लेसेस में सिर्फ वही चिन्हित जगह पे वो परमिशन लेके अपने पोस्टर बैनर लगा सकते हैं, तीसरा अगर किसी प्राइवेट बिल्डिंग पे अगर लगा रहे हैं तो उसमें भी उस बिल्डिंग का जो ओनर है उसकी कंसेंट होनी चाहिए, और विभिन्न जो है तीन से ज़्यादा जो है फ्लैग्स और बैनर्स का 8x6 का मेरे ख्याल से वो साइज़ है जिसका वो पोस्टर बैनर लगा सकते हैं,
फ्लैग्स भी जो है लिमिटेड है, 3 से ज़्यादा झंडे जो है वो नहीं लगा सकते। तो ये विभिन्न दिशा निर्देश जो तो एमसीसी के थे वो हमने उन साथ शेयर करें। सर लोकसभा चुनाव जी देखिए, एक हमारी जो इलेक्टोरल लिस्ट एक बार जैसे फाइनल हो रही है तो हम लोग इस पर भी ध्यान रख रहे हैं कि किस बूथ पे कितना इसकी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। बट हमारा प्रयास रहेगा कि हर एक जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर हम लोग व्हीलचेयर प्रोवाइड कराएं। दूसरा इसमें ये है कि जो बहुत ही ज़्यादा ऐसे पीडब्ल्यूडी वोटर्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा डिसेबल्ड हैं उनके लिए हम लोग होम वोटिंग के लिए भी प्रयास करेंगे। तो ये दो तरीके से हमारा प्रयास है कि उनको वोटिंग डालने में सहूलियत रहे। जी जी भार्गव जी, आपने जो पूछा दिव्यांग वगैरह का, तो टोटल हमारे पीडब्ल्यूडी वोटर्स हैं 6,255 और इसी तरह हमारे 85 प्लस वोटर्स हैं 11,142। तो इसमें हमारा प्रयास है कि दोनों को हम लोग जैसे हैं इन दोनों जहां जिसकी जो रिक्वायरमेंट है डिमांड है उसके अनुसार हम लोग इनको फैसिलिटी प्रोवाइड करें। एग्जैक्ट डेटा तो अभी मेरे पास नहीं है बट वो जो परसेंटेज था उसको हम और बेहतर बनाने का प्रयास करें। ठीक ठीक है। तो वही सुरक्षा को देखते हुए एएसपी सृष्टि गुप्ता ने बताया कि शराब के ठेकों पर नजर बनाए हुए हैं, सभी का समय समय पर टास्क चेक किया जा रहा है। तो वहीं अभी तक 17,400 लीटर अल्कोहल भी पकड़ा गया है और सुरक्षा पूरी तरह से दुरुस्त की जा रही है। चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हमारी जैसे 4 विधानसभा क्षेत्र यहाँ पड़ते हैं तो उसी हिसाब से 12 एसएसटीटी ने स्टैटिक सर्वेलेंस और 12 हवाई दस्ते फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स ऑपरेशनलाइज हो गई है और सीआई के मैंडेट के हिसाब से हमारी जो भी फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी पोलिंग डे से पहले की वो हमने अपने पीएचक्यू को भेज दी है, जिसमें से सीएपीएफ में 3 कंपनी ऑलरेडी जिले में आ गई है और अभी तक हमने करीबन 17,000 लीटर अवैध शराब जब्त किए। और आप लोग के माध्यम से मैं पब्लिक को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, यदि किसी के पास भी कोई सूचना है कि कहीं पर अगर कोई सामान बांटा जा रहा है, कोई शराब की तस्करी या फिर नशीले पदार्थों की तस्करी हो रही है तो हमें सूचना दे सकते हैं और अगर सूचना में कुछ बड़ी कामयाबी हासिल होती है तो अच्छे हम चुनाव भी देंगे। ऐसा कोई नंबर जारी किया गया है? जी आप हमारे 972-999-0112 मैं दोबारा दोहरा देती हूँ 972-999-0112 इस पर आप सूचना दे सकते हैं एंड सूचना देने वाले की जो पहचान है गुप्त रखी जाएगी और आप भी हमारा सहयोग दें और मदद करें ताकि हम ये इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर तरीके से करवा पाए। अंबाला से ब्यूरो रिपोर्ट।